जैसे ना एक यहाँ पे क्या यूज़ किया गया, मतलब क्या फ़र्क है रिप में और ये IGRP में? तो रिप जो है वो हॉप कॉन्ट यूज़ करते हैं। इन्होंने यहाँ पे दिया जैसे कि मान लो कि हम राउटर बी पे हैं और राउटर बी से हमें जाना है इस सबनेट पे, जो कि राउटर ए से कनेक्ट होता है 10.1.1.0 का सबनेट, ठीक है। अब ये जो राउटर्स हैं इनको जो बैंडविड्थ कॉन्फिगर्ड है ना, यहाँ पे बैंडविड्थ 1544 है, यहाँ भी 1544 है, यहाँ भी 1544। तो ये 1544 क्या है, हमने सेट नहीं किए। बाय डिफ़ॉल्ट राउटर का जो सीरियल इंटरफेस है उस पर कोई बैंडविड्थ होती नहीं, है ना। जैसे राउटर का फास्ट ईथरनेट इंटरफेस है तो हमें पता है कि 100 Mbps पे काम करेगा, है ना। क्योंकि फास्ट ईथरनेट क्या है, फास्ट ईथरनेट है लैन पे कम्युनिकेशन के लिए हमें किसी को पैसे नहीं देने पड़ते, तो इंटरफेस की जो मैक्सिमम स्पीड है उसी से ट्रांसमिशन करते हैं। लेकिन सीरियल इंटरफेस पे जनरली क्या होता है, सीरियल इंटरफेस से हमारी लीज लाइन कनेक्ट होती है ना, और जो लीज लाइन होती है वो हम ISP से लीज पे लेते हैं। उसको हम जो भी डेटा भेजेंगे उसके लिए हम ISP को किराया पे करते हैं। जैसे मैंने इंटरनेट कनेक्शन लिया तो हमारे मॉडम का जो भी वैन वाला इंटरफेस है वो किस स्पीड से डेटा भेजेगा, उसकी अपनी कोई स्पीड नहीं है। वो डिपेंड करेगा किस पे, कि हमने कनेक्शन कौन सा लिया है। अगर मैंने 64 Kbps का कनेक्शन लिया तो 64 Kbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा, है ना। और अगर मैंने 512 Kbps का लिया तो 512 Kbps की स्पीड से डेटा ट्रांसमिट होगा। तो सीरियल इंटरफेस की कोई होती नहीं है स्पीड, है ना। मतलब वो जब हम ISP से कनेक्शन लेते हैं तो स्पीड हमें कॉन्फिगर करनी पड़ती है कि इस स्पीड से डेटा जो है भेजा जाएगा, और वो भी बल्कि राउटर पे कॉन्फिगर नहीं होती, CSU DSU जो होती है, राइट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, मतलब दो चीज़ें, तो एक है कि राउटर का जो इंटरफेस है सीरियल इंटरफेस, उससे आप एक्चुअली में किस स्पीड से डेटा भेज पा रहे हो, एक ये। दूसरी चीज़ है कि राउटर का जो इंटरफेस है उसकी बैंडविड्थ की वैल्यू कितनी सेट है। हम कह रहे हैं मीट्रिक कैलकुलेशन में क्या यूज़ करेंगे, बैंडविड्थ। अभी बैंडविड्थ की वैल्यू मिलेगी कहाँ से, कहाँ से मिलेगी, कहीं पे सेट होगी ना, कहीं पे सेट होगी, कहीं ना कहीं पे लिखी होगी कि भाई इस राउटर के इस इंटरफेस की बैंडविड्थ कितनी है। जैसे हमने कहा कि राउटर 1 से राउटर 2 के बीच का कनेक्शन और इसकी बैंडविड्थ है 64 Kbps, ठीक। अब हमने राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF कॉन्फिगर कर दिया। OSPF को क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट। कॉस्ट के लिए उसको क्या चाहिए, बैंडविड्थ। अब बैंडविड्थ की वैल्यू उसको कहाँ से मिलेगी, वो इंटरफेस की स्पीड नाप नहीं सकता है कि इस इंटरफेस से डेटा किस रेट से भेजा जा रहा है ना, वो उसको मेज़र नहीं कर सकता। वो क्या करता है, इस वैल्यू को रीड करता है। कहाँ से रीड करता है, सीरियल इंटरफेस का जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में इसकी वैल्यू जो है वो होती है ना। तो जो डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब जब तक हम किसी इंटरफेस की स्पीड सेट नहीं करते तो सीरियल इंटरफेस की बाय डिफ़ॉल्ट जो बैंडविड्थ सेट होती है वो थी 1544 Kbps। 1544 Kbps का मतलब ये नहीं है कि इस इंटरफेस से राउटर 1544 Kbps की स्पीड से डेटा भेजेगा, ये मतलब नहीं। इसका सिर्फ इतना मतलब है कि मीट्रिक कैलकुलेशन में जो वैल्यू यूज़ होगी वो 1544 Kbps होगी, जबकि राउटर की एक्चुअल जो स्पीड है सीरियल इंटरफेस पे वो अलग हो सकती है। वो किससे डिटरमाइन होगी, क्लॉक रेट से। क्लॉक रेट ये बताता है कि इंटरफेस की स्पीड क्या है, एक्चुअली में इस इंटरफेस से किस रेट से डेटा भेजा जाएगा, ये क्लॉक रेट से पता चलता है। बैंडविड्थ से क्या पता चलता है, कि मीट्रिक कैलकुलेशन में कौन सी वैल्यू यूज होगी, वहाँ पे क्या वैल्यू ली जाएगी। तो दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए कि अलग अलग होनी चाहिए, क्लॉक की और मैट्रिक की, क्लॉक की और हाँ बैंडविड्थ की, सेम होनी चाहिए कि अलग होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए क्यों, सेम क्यों होनी चाहिए, अलग होगी तो क्या दिक्कत आएगी। ये सिंपल है, जैसे सपोज करो कि यहाँ से भाई अगेन दिल्ली वाला अगर एग्जांपल हम लें, हमने कहा कि यहाँ से ट्रेन जो एक जाती है दिल्ली, है ना, यहाँ दो ट्रेन जाती हैं वही कानपुर से जाती है और सीतापुर से होके जाती है। अब हमें डिसाइड करना है कि कौन सी ट्रेन बेस्ट है, सीतापुर वाली ट्रेन बेस्ट है कि कानपुर वाली ट्रेन बेस्ट है, ठीक। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे, कौन सी फास्ट जाती है, अब कौन सी फास्ट है, है ना। फास्ट में हमने कहा कि भाई जो मतलब अगर हम बात करें बताने की, दो चीज़ें हैं,
इसमें एक चीज़ है कि ट्रेन एक्चुअली किस स्पीड से जाती है, और दूसरी चीज़ है कि हम बताते क्या है कि किस स्पीड से जा रही है, है ना। जैसे किसी ने हमसे कहा कि भाई आप इधर से जाओ, एक्सप्रेस गाड़ी इधर से जाती है, ठीक है, और एक्सप्रेस गाड़ी जो है वो 100 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है, राइट। अब हो सकता है कि वो गाड़ी एक्चुअली में चलती हो 40-50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, राइट। दूसरी चीज़, इधर किसी ने कहा कि इधर से भी एक्सप्रेस गाड़ी जाती है, वो 150 किलोमीटर घंटे की जाती जा रही है, ठीक। तो हम, मैं सिर्फ यही कह रहा हूँ कि गाड़ी की जो एक्चुअल स्पीड है ना, और जो स्पीड हमें बताई जा रही है, वो दोनों सेम होनी चाहिए कि डिफरेंट? जो बताई जा रही है, जो बताया वही जानता, नहीं, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ कि वो सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं चाहिए की बात कर रहा हूँ। उसको क्या पता था क्या नहीं पता था, मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। भाई अगर इधर से अगर हम अपना सही डिसीजन कब ले पाएंगे? जब हम खुद देखेंगे, खुद कंफर्म, हम सही डिसीजन तब ले पाएंगे जो जब ट्रेन की एक्चुअल स्पीड हमें बताई जाएगी। मान लो कि जो ट्रेन जा रही है सीतापुर से, उसकी एक्चुअल स्पीड है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हमें बताई गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक। जो ट्रेन जा रही है मान लो यहाँ से कानपुर से, उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन हमें बताई गई 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम कौन सी ट्रेन पर चढ़ जाएंगे? बताई गई 100 किलोमीटर, और उस ट्रेन पर बैठ गए तो वो चलती 50 की स्पीड से, बताई गई हमें कितनी, 100, तो हमने सही डिसीजन लिया कि गलत? हम सही ट्रेन में बैठे कि गलत ट्रेन में बैठे? मतलब पहुंचेंगे पहले कि बाद में पहुंचेंगे, तो गलत डिसीजन लिया ना। गलत डिसीजन क्यों लिया हमने? क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन हमें दी गई वो सही नहीं थी। और इन्फॉर्मेशन में गलत क्या था? गलत ये था कि जो एक्चुअल स्पीड थी ट्रेन की और जो हमें बताई गई स्पीड, वो दोनों अलग थी। हम सही डिसीजन कब ले पाते? जब वो दोनों सेम होते हैं, मतलब ट्रेन की एक्चुअल स्पीड की अगर हमें वही बताई जाती तो हम सही डिसीजन ले पाते। तो वैसे यहाँ पे, यहाँ पर एक राउटर को किसी डेस्टिनेशन नेटवर्क पे जाना है, दूसरा राउटर उसको क्या बता रहा है स्पीड? एक राउटर कह रहा है कि मेरे थ्रू अगर जाते हो तो बैंडविड्थ जो है 1544 KBPS, दूसरा कह रहा है मेरे थ्रू जाते हो तो बैंडविड्थ 1544 KBPS। अभी 1544 KBPS क्या है? उस इंटरफेस की एक्चुअल स्पीड नहीं है, स्पीड नहीं है, उसके इंटरफेस की सेटिंग है सिर्फ। एक्चुअल स्पीड क्या है? हो सकता है कि एक तरफ 128 KBPS पे चल रहा हूँ, दूसरी तरफ हो सकता है 64 KBPS पे चल रहा हूँ, है ना। तो राउटर क्या समझ रहा है कि ये लिंक 1544 KBPS पे चल रहा है, जबकि एक्चुअली में लिंक की स्पीड क्या है? 64-128 KBPS। तो क्या वो सही डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा, गलत डिसीजन लेगा। तो इसलिए क्या होना चाहिए कि राउटर की जो एक्चुअल स्पीड है इंटरफेस की, उसकी बैंडविड्थ की वैल्यू भी वही होना चाहिए। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम कोई ऐसा राउटिंग प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं जो मीट्रिक कैलकुलेशन में बैंडविड्थ की यूज़ कर रहा है ना, तो उस इंटरफेस की बैंडविड्थ की वैल्यू हम उतनी ही रखते हैं जितनी एक्चुअल स्पीड है, मतलब क्लॉक रेट में आपने वैल्यू दी है वही वैल्यू है, वही वैल्यू हम बैंडविड्थ में भी सेट करते हैं, राइट। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये जो राउटर के सीरियल इंटरफेस हैं, इस पर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो 1544 का डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जबकि जो एक्चुअल स्पीड है वो अलग है। एक्चुअल स्पीड जो इस इंटरफेस की है वो है 64 KBPS, और ये जो नीचे वाले दिख रहे हैं यहाँ पे T1 लाइंस कह रहा है। T1 जो होता है, T1 लाइन का मतलब है कि ये 1.5 MBPS की लाइन है, मतलब जब लीज लाइन किसी कस्टमर को दी जाती है वो यहाँ तो T1 होती है या E1, यहाँ से स्टार्ट करते हैं E1 T1 या E1 T1 चलता है USA में, मतलब किसी कस्टमर ने अगर एक T1 लाइन ली है तो उसके पास 1.5 MBPS का कनेक्शन है, है ना। और E1 लाइन चलती है हमारे इंडिया में। E1 लाइन का मतलब है कि अगर किसी कस्टमर को हमने एक E1 लाइन कनेक्शन दिया, एक E1 कनेक्शन है तो 2 MBPS का कनेक्शन है, है ना। तो 1544 कितना हो गया? 1.5 MBPS, है ना। और E1 जो होता है वो होता है 2048 KBPS, मतलब 2 MBPS। तो हम यहाँ भी कह रहे हैं कि ये जो तीन लिंक हैं, तीनों लिंक पे जो कॉन्फ़िगरेशन है बैंडविड्थ का वो है 1544 डिफ़ॉल्ट, लेकिन स्पीड इस इंटरफेस की स्पीड 64 KBPS, तो यहाँ डिफरेंस है। एक्चुअल स्पीड 64 KBPS की, लेकिन कॉन्फ़िगर कितनी? 1544, जबकि नीचे कॉन्फ़िगर्ड है 1544 और एक्चुअल स्पीड भी T1 मतलब 1544 ही, राइट। अब ये राउटर जो है हमारा B1, इसको जाना है यहाँ सबकी सबनेट पर। अब इसको बेस्ट पाथ का सिलेक्शन करना, और ये यूज़ कर रहा है RIP। बेस्ट पाथ कौन सा है इसके हिसाब से, कौन सा पाथ चूज करेगा ये? बेस्ट पाथ तो यही है, ये वाला RIP यूज कर रहा।
राउटर बी को ये देखना है कि अगर मैं जाता हूँ 10 के नेटवर्क पे तो ए से जाऊँ तो बेस्ट बात है कि सी से जाऊँ तो ये से जाए, ये डायरेक्ट जाएगा उधर से, वो तो बराबर ही पड़ेगा, इधर से जाएगा तो बल्कि महंगा पड़ेगा उधर से। एक ही पॉपकॉर्न रिप है ना, रिप पॉपकॉर्न यूज करता है। अगर ये ऊपर वाले पाथ से जाता है तो बी और इस नेटवर्क के बीच में कितने राउटर है, सिर्फ एक। जबकि अगर नीचे से जाता है तो बी और इस नेटवर्क के बीच में सी है और ए है, ऑफ पॉइंट कितना हो जाएगा, टू। तो अगर हम रिप यूज़ करें तो बी के हिसाब से ऊपर वाला पाथ जो है वो बेस्ट है, राइट, नीचे वाला नहीं है। जबकि ऊपर वाले पाथ पे 64 kbps का लेंगे और नीचे वाले पे जो लेंगे वो 1.5 mbps के हैं, लेकिन उसमें उसकी कोई गलती नहीं है क्योंकि वो मीट्रिक कैलकुलेशन जो करता है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन जो करता है वो बैंडविड्थ के बेसिस पे करता ही नहीं, वो हॉप काउंट देखता है ना। तो रिप के हिसाब से ऊपर वाला पाथ बेस्ट है। इसी तरीके से अगर हम अब बात करें EIGRP की, हम EIGRP यूज़ कर रहे हैं, इस लिंक की जो एक्चुअल स्पीड है वो 64 kbps है और जो वैल्यू हमने सेट की है वो भी 64 है। ये 1544 इसकी एक्चुअल स्पीड है, सेट भी 1544 है, इसकी भी 1544 स्पीड एक्चुअल है और सेट भी इतनी है। और यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं EIGRP, तो कौन सा पार्ट बेस्ट पार्ट होगा? EIGRP डिले कौन करता है तो उसके भेजे डिले को अभी छोड़ दो 2 मिनट के लिए, मान लो सिर्फ बैंडविड्थ अगर यूज़ करें तो भी यही चूज करेगा, यही यूज होगा क्योंकि इधर बैंडविड्थ जो है वो ज़्यादा है ना। इस केस में इस इंटरफेस यूज़ करेगा अपना S1 इंटरफेस, राइट। तो अलग अलग राउटिंग प्रोटोकॉल, देखो प्रोटोकॉल का काम वही है। रिप भी क्या कर रहा है, इस नेटवर्क पे जाने के लिए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कर रहा है, लेकिन इसका तरीका अलग है, ये ऑफ बाउंड के बेसिस पे कर रहा है। EIGRP को भी वही करना है लेकिन इसका तरीका अलग है, ये बैंडविड्थ और डिले के बेसिस पे कर रहा है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव वही है, बेस्ट पाथ का सिलेक्शन, लेकिन उनके काम करने का तरीका अलग है।